अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा सिटी के 23 अप्रैल 2022 के पेपर में से पेडागोजी एमसीक्यूज़ का सलूशन देखते हैं। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहा करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ का पहला यूनिट कौन सा है, फैमिली, फ्रेंड्स, मास्क या स्कूल? तो जो फर्स्ट यूनिट ऑफ सोशल लाइफ होता है दैट इज़ फैमिली। फैमिली से जो है ना बच्चा सबसे पहले सीखना शुरू करता है। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मैटिक्स, विच वन इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन? प्रैग्मैटिक्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन का जो है ना बेस्ट मेथड या वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, लर्निंग थ्रू रीडिंग या लर्निंग बाय डूइंग? तो प्रैग्मैटिक का मतलब है ना प्रैक्टिकल अप्रोच। तो प्रैग्मैटिक जो साइकोलॉजिस्ट थे तो उनके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल वर्क है या जो आपका लर्निंग बाय डूइंग है ना दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट या दैट इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मैथड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है लर्निंग बाय डूइंग। तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, पर्सनालिटी ट्रेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डैश। पर्सनालिटी, एक्शन, ईगो, बिहेवियर, आपकी जो पर्सनालिटी की ट्रेट्स हैं ना उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं किस में, आपके बिहेवियर में। तो राइट आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा। अ प्राइज गिवन टू अ स्टूडेंट एट द रिजल्ट डे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक बच्चे को जो आप रिजल्ट डे पे प्राइज़ देते हैं ना तो वो किसकी एग्जाम्पल है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, प्राइज मोटिवेशन, नन ऑफ द अबव। तो प्राइज मोटिवेशन ये कोई टाइप नहीं होती, ये दो पहली दो जो है ना ये टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक जो आप विद इन यूर सेल्फ अंदर से आप मोटिवेटेड होते हैं तो वो इंट्रिंसिक होती है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है जब आप कोई प्राइज़ वगैरह देख के ना तो आप बाहर से किसी चीज़ से आप मोटिवेटेड होते हैं। तो प्राइज़ वगैरह जब आपको मिलता है तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की एक एग्जाम्पल होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रैक्टिकल लर्निंग रेफर्स टू द आइडिया दैट एजुकेशन शुड अप्लाई टू डैश। प्रैक्टिकल लर्निंग से मुराद ये है कि एजुकेशन किस पे अप्लाई होनी चाहिए, रियल वर्ल्ड, फैमिली, सोसाइटी या नेशन? तो प्रैक्टिकल लर्निंग से मुराद ये है ना कि एजुकेशन आपके रियल वर्ल्ड पे अप्लाई होनी चाहिए, आप वो चीज़ सीखें जो कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो। तो राइट आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये थे 5 MCQs जो कि ईटा सिटी के 23 अप्रैल के पेपर में से उठाए थे मैंने। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इंग्लिश के MCQs का आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा लिंक, तो वो आप देख सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।